करनाल के एमडीडी बाल भवन से दो बच्चे संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए हैं। इन लापता बच्चों में एक 16 वर्षीय नाबालिग व दूसरा 19 वर्षीय मूक बधिर है। बताया जा रहा है कि ये बच्चे सुबह के समय बाल भवन के लकड़ी से बने गेट से कूदकर फरार हुए हैं। एमडीडी बाल भवन में घटना की सूचना मिलते ही सीडब्ल्यूसी चेयरमैन उमेश चांदना टीम लेकर जांच करने पहुंचे। बता दें कि एमडीडी बाल भवन में उन बच्चों को रखा जाता है जो घर से भागकर पकड़े गए हों या अदालत के आदेश पर छोड़े गए हों। अभी बच्चे किन कारणों के चलते यहां से फरार हुए हैं ये पता नहीं लग पाया है। फिलहाल दोनों बच्चों के लापता होने की शिकायत पुलिस को दे दी गई है। बच्चे यहां से लापता हुए हैं या फिर फरार हुए हैं अभी ये भी जांच का विषय है। ऐसा है जी कि दो बच्चे मुझे बताया गया जैसा नाथ साहब के द्वारा कि भाई मुझे इन्होंने बताया था कि दो बच्चे भाग गए हैं, संस्था से चले गए हैं, बगैर बताए निकल गए हैं। नाथ जी, ये क्या मामला है जो बाल भवन से दो बच्चे लापता हुए हैं संदिग्ध परिस्थितियों में, क्या जानकारी मिली? आज सुबह 5:30 बजे मुझे चौकीदार की फोन आया, 5:30 पौने 6 बजे करीब है।